आशीष से इस पर राय ले लेते हैं कि वो कैसे देख रहे हैं शेयर को और कितना ये शेयर चल सकता है। आशीष आपके रिकमेंडेशन चाहिए ए टू जेड इंफ्रा पे। ए टू जेड इंफ्रा का अगर हम चार्ट देखते हैं तो यहाँ पे दो तरह के ट्रेड बन सकते हैं। अगर कोई किसी को छोटे अवधि का ट्रेड लेना है तो मैं मानता हूँ यहाँ पे तुरंत खरीदारी करनी चाहिए। स्टॉप लॉस छोटे जो ट्रेड अवधि के लिए ट्रेड होगा उसके लिए स्टॉप लॉस मैं रिकमेंड करूंगा करीबन 40 रुपए का, और पहला लक्ष्य जो चार्ट के ऊपर दिखाई दे रहा है वो 53-54 का। लेकिन अगर हम लंबे समय के चार्ट की अगर हम बात करते हैं तो इसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पैटर्न फॉर्मेशन हुआ है जिसके हमारे टर्मिनोलॉजीज में इसको हम राउंडिंग बॉटम कहते हैं, मॉडिफाइड वर्जन है राउंडिंग बॉटम का। इसके हिसाब से अगर हम देखते हैं तो इसने 37 रुपीस की जब इसको ब्रेकआउट मिला था तो इसको राउंडिंग बॉटम पैटर्न फॉर्मेशन का टारगेट ब्रेकआउट कहा जाएगा, और इसके तहत इसका स्टॉप जो टारगेट दिखाई दे रहा है वो है करीबन 110-120 रुपए का। तो लंबे अवधि के लिए अच्छा अगर इनमें निवेश करना है तो यहाँ पे कर सकते हैं, और उस केस के लिए स्टॉप लॉस जो लगाना चाहिए थोड़ा डिप डाउन होना चाहिए, वीकली क्लोजिंग बेसिस पर होना चाहिए, और वो अगर 36 रुपीस का। ठीक है, कोई भी स्टॉप लॉस अगर आप इन्वेस्टर्स के हिसाब से तो 36 है, ट्रेडिंग के हिसाब से आपको नियर बाय स्टॉप लॉस 1-2 रुपए का अपने हिसाब से आप रख सकते हैं। 50 का टारगेट है, ट्रेडर्स के लिए टारगेट 50 का है, जिनको 102 दिन रखना है। जिनको वैसे रखना है 36 का स्टॉप लॉस है, और 100 रुपए तक के भी टारगेट आ रहे हैं, यानी कि यहाँ से 2 गुना भी हो सकता है शेयर। थोड़ा सा ध्यान से इस शेयर के अंदर ट्रेड किया जा सकता है। अभी 6-6.5% की मजबूती के साथ, अच्छे वॉल्यूम के साथ ये शेयर बना हुआ है। आगे बढ़ते हैं, कुछ एक और सेगमेंट देख लेते हैं। आज शुगर स्टॉक्स के अंदर भी हमको कई दिनों के बाद फिर से थोड़ा सा ठहराव के बाद तेजी आती हुई दिखी है। रेणुका की हम बात नहीं करेंगे, पिछले एक साल में इसने शेयर ने कुछ ज्यादा मूव दिखाया नहीं। धामपुर अच्छा चलता है, बजाज हिंदुस्तान भी ठीक ठाक चलने लग गया। अब धामपुर शुगर और बजाज हिंदुस्तान दोनों के बारे में जरा बताएंगे आप आशीष, क्या करें अब? डेफिनेटली पहले बजाज हिंदुस्तान के बारे में बात करते हैं। अगर इसका हम चार्ट देखते हैं करीबन अभी 15-17 रुपए के करीब ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है ये स्टॉक। मैं मानता हूँ कि इसमें जो मोमेंटम है ये तभी आएगा जब ये स्टॉक करीबन 17-80 रुपए के ऊपर निकलेगा। तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो अगर मैं कैलकुलेट करना चाहूंगा तो यहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मैच उतना नहीं हो रहा है, उतना अट्रैक्टिव नहीं लग रहा है। लेकिन अगर मैं धामपुर शुगर की तरफ देखता हूँ तो एक अच्छा खासा करेक्शन इसमें ऑलरेडी हो चुका है। मैं मानता हूं कि दोनों में से किसी एक पर अगर बेट लगानी है तो लगाई जा सकती है। अभी करीबन 190 और लेवल पे ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। इसके लिए मैं जो स्टॉप लॉस रेकमेंड करूंगा वो होगा करीबन 178 का। अभी ये 12 रुपए नीचे स्टॉप लॉस मैं इसलिए रेकमेंड कर रहा हूँ क्योंकि ये इंट्राडे ट्रेड नहीं होगा। चार्ट के ऊपर जो लक्ष्य दिखाई दे रहा है वो है करीबन 216 रुपए का। तो ये मोमेंटम ट्रेड होने की संभावना है, एक या डेढ़ हफ्ते में 216 तक जा सकता है। तो धामपुर वुड बी अ बेटर बेट ऐसा चार्ट का ऊपर रुझान। ठीक है, धामपुर होगा एक 75 रुपए का। अगर आप शुगर स्पेस में कोई देख रहे हैं 210 तक ये शेयर चला जाएगा, इस शेयर पे आपको जरूर ध्यान रखना है। 210 के टारगेट के लिए धामपुर शुगर को प्लस किया जा सकता है। ये सारे शेयर्स वही हैं जिनके अंदर कहीं ना कहीं मोमेंटम है, लेकिन इस मोमेंटम का आपका फायदा, आप कहाँ छुपा हुआ है वो हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। 210 तक चला जाएगा धामपुर, इसको एक ट्रेड ले सकते हैं। एक शेयर थोड़ी देर में अभी टूटना शुरू हो रहा है, वो है फोर्टिस हेल्थ केयर का, और कुछ खबरें भी आ रही हैं, हालांकि खबरें कितनी पुष्ट है अभी मालूम नहीं है, लेकिन इसके अंदर कहीं ना कहीं बज जरूर है। पहला बज इसके अंदर प्रमोटर का स्टेक सेल है जो कि मॉरिशियस कंपनी खरीद रही है। दूसरा बज इसके अंदर ये है कि कुछ कानूनी अड़चनों के अंदर ये शेयर फंसा हुआ है, हो सकता है डाची की तरफ से कुछ और याचिका इसके अंदर फाइल कर दी जाए, और आज एक अहम सुनवाई भी होने वाली है। फोर्टिस के अंदर वैसे तो खबरों के हिसाब से शेयर चलता है, लेकिन मेरे को आप रेंज बताइए आशीष, ये टूटा तो कितना टूटेगा और चला तो कितना चल सकता है? ऐसी रेंज जो 2-3 दिन के लिए हो, महीने या साल भर की नहीं चाहिए सर। राइट, 2-3 दिन के लिए अगर हम देखते हैं तो मैं मानता हूं कि ऊपर का तरफ जो इसका लेवल है वो है 202 रुपए का। जब तक 202 रुपए के ऊपर ये स्टॉक नहीं निकलता है इसमें लॉन्ग पोजीशंस नहीं बनानी चाहिए। अगर ये स्टॉक यहां से नीचे गिरना चालू करता है तो इसका बेस बना है करीबन 186 के लेवल पे। अगर 186 ये तोड़ता है, अभी अगर नीचे गिरना चालू होता है तो वो 186 को डेफिनेटली टेस्ट करता हुआ दिखाई देगा। 186 के लिए अगर नीचे निकलता है तो ये बहुत ही जोर से नीचे आ सकता है, और उस केस में इसका लक्ष्य होगा 174 का। तो मैं मानता हूं कि जैसे ही ये स्टॉक नीचे गिरना चालू करेगा 186 के स्टॉप लॉस के लिए हम शॉर्ट कर सकते हैं, और उस केस में हमें स्टॉप लॉस लगाना होगा करीबन 200 का, और 202 के ऊपर अगर निकलता है तो ही लॉन्ग पोजीशन बनाए, तब तक लॉन्ग पोजीशंस ना बनाए। 186 इसकी लोअर एंड की रेंज है, 202-204 इसकी अपर एंड की रेंज है। अब खबर कैसी भी आए, पॉजिटिव नेगेटिव आए, आपको काफी हद तक क्लियर हो जाएगा 186 के नीचे शायद जाएगा नहीं, और 202-204 जल्दी जल्दी पार करेगा नहीं। इसी के बीच में अभी शेयर फंसा हुआ है, समय दीजिएगा। रेंज ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन
जो भी होगा उसी हिसाब से आपको सौदा बनाना है। ये फोर्टिस हेल्थ को लेकर मेरे को लगता नहीं अब कोई कन्फ्यूजन आपके मन में बाकी होगी। आज ना कच्चा तेल सुबह सुबह टूटा हुआ हमको मिला, उसका फायदा आज हमको टायर कंपनीज में मिल रहा है, साथ ही एविएशन कंपनीज में मिल रही है। एविएशन कंपनीज अच्छा चल रही हैं, जेट, स्पाइस जेट, इंडिगो तीनों ही ऊपर हैं। इन तीनों में से कोई आपको शेयर ठीक लग रहा है क्या आशीष? यस डेफिनेटली, अगर इन तीनों में से कोई अगर एक स्टॉक मुझे चुनना है तो मैं जेट एयरवेज को चुनूंगा। करीबन 563 के लेवल पे ये स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है, 558 का इसमें स्टॉप लॉस लगाना चाहिए और चार्ट के ऊपर अगले दो तीन दिनों में ये स्टॉक हो सकता है 582 के लिए। तो अगर एविएशन में से किसी एक को चुनना है तो मैं जेट एयरवेज को चुनूंगा। और अब टायर स्टॉक में से अगर आप मुझे पूछते हो तो मैं आई वुड गो फॉर अपोलो टायर्स, क्योंकि अभी अपोलो टायर का अगर हम चार्ट फॉर्मेशन देखते हैं तो अभी भी फिलहाल 264 और लेवल पे ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। मैं मानता हूँ कि इसमें पोटेंशियल है, ये स्टॉक करीबन जा सकता है। अगर ये स्टॉक 266 को आज तोड़ता है तो ये डेली चार्ट पर ब्रेकआउट माना जाएगा और उस केस में इसका जो लक्ष्य होगा वो होगा करीबन 300 रुपए का। ये जो 300 रुपए का लक्ष्य है वो होगा करीबन डेढ़ या दो हफ्ते में मोमेंटम ट्रेड होगा और उस केस में हमें स्टॉप लॉस लगाना होगा इसके लिए 260 का।